नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सूबे के अल्पसंख्यकों को जोड़ों का झटका दिया है। योगी सरकार ने समाज कल्याण विभाग की 28 महत्वपूर्ण योजनाओं में मिलने वाला 20% कोटा समाप्त करने का आदेश दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के तहत करीब 85 योजनाओं में अल्पसंख्यकों को 20% कोटा दिया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक और मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में एक अन्य मानहानि मामले में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को आपत्तिजनक शब्द कहे थे। इस पर जेटली ने नाराजगी जताते हुए मानहानि की रकम बढ़ाने की चेतावनी दी थी। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्विटर पर लिखा है कि नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वालों को इसका सबूत भी देना चाहिए। वहीं शत्रु के ये तेवर बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी को नहीं भाए और उन्होंने ट्विटर पर ही शत्रु के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गद्दारों को बाहर करने की मांग कर डाली है। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा की सार्वजनिक माफी के बाद आपके पूर्व नेता योगेंद्र यादव ने उन्हें एक खुला पत्र लिखा। यादव ने कहा है कि मुझसे माफी मांगने के बजाय आपको हजारों समर्थकों और देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कपिल को ये नसीहत भी दी है कि वो केजरीवाल पर रोज रोज आरोप लगाना बंद करें। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने एलईडी टीवी, वाईफाई और सीसीटीवी जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस तेजस एक्सप्रेस को मुंबई से हरी झंडी दिखाकर गोवा के लिए रवाना किया। इसका किराया शताब्दी ट्रेन से भी 20% ज्यादा है, लेकिन जिस प्रकार की स्पीड और सुविधाएं ये ट्रेन दे रही है वे शानदार है। बलिया शहर कोतवाली में हरियाणा निर्मित अवैध शराब पकड़ी गई है। ये शराब बिहार के सिवान जाने वाली थी। पुलिस की माने तो चेकिंग के दौरान इस ट्रक से 70 लाख के अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है जो हरियाणा से बिहार के सिवान जा रही थी। वहीं इस ट्रक में GPRS लगा हुआ है जिसकी मॉनिटरिंग खुद इसका सरगना कर रहा था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। निकाय चुनाव के तहत नगर निगम आरा के वार्ड नंबर 44 में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित कराने के लिए हल्की लाठी चार्ज का भी प्रयोग किया। वहीं मारपीट के दौरान एक पक्ष के दो लोग घायल हो गए जिसमें एक निवर्तमान वार्ड पार्षद शामिल थे। मौके पर पहुंचे जिले के SP शत्रुनील सिंह ने मामले का जायजा लिया। दूसरी ओर वार्ड नंबर 41 के पूर्व मेयर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि वे मतदान केंद्र पर हंगामा कर रहे थे, जबकि पूर्व मेयर का कहना था कि EVM मशीन काफी देर से खराब होने पर मैंने आपत्ति जताई थी। दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर चौधरी मुनव्वर हसन की हत्या के मामले में बंटी नामक एक भू माफिया पुलिस की हत्या चढ़ा है। पूछताछ में बंटी ने कबूल किया है कि उसी ने मुनव्वर के परिवार को भी मौत के घाट उतारा था। बता दें कि पैरोल पर 5 दिन पहले जेल से बाहर आए संत नगर बुराड़ी निवासी बसपा नेता और प्रॉपर्टी डीलर मुनव्वर हसन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंजाब शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। हर बार की तरह इस बार भी फिर से लड़कियों ने ही बाजी मारी है। रोपड़ की श्रुति वोरा ने 98.77% अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है। श्रुति वोरा ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 650 में से 642 अंक हासिल किए हैं। कुलभूषण जाधव की फांसी को लेकर पाकिस्तान ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। बता दें कि बासित ने कहा है कि ICJ का फैसला पाकिस्तान के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि जाधव के पास अपील करने के लिए 150 दिनों का वक्त है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाधव के खिलाफ अपने कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगा। दिल्ली के आसफ अली रोड स्थित टैक्सी स्टैंड पर बीती रात एक कार पर होर्डिंग बोर्ड समेत लोहे के दो पिलर गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक कार मालिक चंदर घटना के दौरान कार के अंदर मौजूद था और वो इस दुर्घटना से बाल बाल बचा। वहीं स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक MCD और PWD की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है क्योंकि इन होर्डिंग बोर्ड के पिलरों की हालत बेहद ही खस्ता है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में दो बच्चों के साथ हुई बर्बरता। बता दें कि 8 और 9 साल के दोनों बच्चों को कपड़े उतरवाकर सिर मुंडवाकर और गले में चप्पल की माला डालकर परेड करवाई गई। बता दें कि इन बच्चों ने भूख लगने पर मिठाई की दुकान से मिठाई चुराई थी। हालांकि जिस दुकानदार और उसके दो बेटों ने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 जुलाई से देश भर में GST लागू होने जा रहा है। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल छोड़कर बाकी सभी उत्पाद और सेवाएं इसके दायरे में आ रही हैं। बता दें कि GST लागू होने से ऑयल कंपनियों को हर साल कुल 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा।
सऊदी अरब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पहली बार एक साथ नजर आए। ट्रंप अपनी पहली विदेशी यात्रा के पहले पड़ाव के तहत सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने पहले अरब इस्लामिक अमेरिकी समिट को संबोधित किया। इस समिट में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत 55 मुस्लिम देशों के नेता शामिल हुए। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल फाइनल में राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट्स को एक रन से हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया है। मुंबई ने रिकॉर्ड तोड़ तीसरी बार ये खिताब हासिल किया है। बता दें कि मुंबई ये कारनामा करने वाली पहली टीम बन गई है। वहीं मुंबई के 8 विकेट पर 129 रन के जवाब में पुणे 6 विकेट पर 128 रन ही बना पाई। एक्टर अनिल कपूर और अर्जुन कपूर की फिल्म मुबारक का पहला पोस्टर रिलीज हो चुका है। बता दें कि 21 मई को आईपीएल के फाइनल के दौरान क्रिकेट पर आधारित टॉक शो एक्स्ट्रा इनिंग्स में पोस्टर जारी किया गया। ये फिल्म 28 जुलाई को रिलीज होगी। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतने। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हाँ, तो देखते रहिए सीएम इंडिया टीवी, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ।